हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको प्याज के लच्छेदार पकोड़े पकाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए चने का आटा, मतलब बेसन। ये हमने लिया है आधी प्याली। इसके लिए हमने दो बड़ी प्याज लिए हैं, चॉप्ड हरा धनिया, चाट मसाला, लहसुन और मिर्ची का हरा मसाला, 5 से 6 अदद हरी मिर्ची, 1 लेमन, कूटी हुई मिर्ची 1 चम्मच, सफेद जीरा पाउडर 1 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक खसखस का, और ऑयल हम तलने के लिए लेंगे। इन सब का अभी मैं बैटर बनाऊंगी। इसमें क्या आटा कम होता है, मगर इसमें प्याज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्याज के लच्छेदार पकौड़े कहलाते। तो प्याज को भी थोड़ा रिंग्स की तरह बारीक बारीक काटूंगी ताकि उसमें प्याज ज्यादा नुमाया हो, तो उससे टेस्ट अच्छा होता है। अब मैं इसका बैटर बनाऊंगी और फिर आपको ये अब देखिए मैंने इसमें शिफ्ट किया है, बड़ी प्याली है उसमें डाल दिया है बाउल में। अभी मैं इसका बैटर बना रही हूँ। बेसन का आटा हमने बड़े बाउल में डाल दिया है। ये है ना, समझे, 2 चुटकी मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी डाल रही हूँ, या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो आपके पास अवेलेबल हो। ये सारे मसाले जो मैंने रखे हैं ये मैं डाल दूंगी इनके अंदर, नमक भी सबको मैं इसी तरीके से डाल दूंगी क्योंकि मेरे हिसाब बिल्कुल करेक्ट है। ये डाल दिया हरा मसाला। अब इसको मैं बीट करूंगी, मतलब इससे फेंट के एक बैटर तैयार करूंगी। अब देखिए आटे की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है, वो इस वजह से कि हम इसमें प्याज ज्यादा डालेंगे और पानी भी नॉर्मल डालेगा, क्योंकि जब प्याज डालेगी तो प्याज का पानी भी इसमें आएगा तो बैटर बहुत पतला हो जाएगा, तो ऐसा ना हो, बैटर थोड़ा थिक रहे ताकि प्याज डले तो सारा बैटर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये मैं इसे मिक्स करके 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी और इसे अच्छी तरह बीट करूंगी। ये देखिए ये बैटर मैंने तैयार कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी है, मगर अब ये प्याज देखिए मैंने कैसे काटी है। ये देखो रिंग्स की तरह ये लच्छेदार प्याज है और प्याज की क्वांटिटी भी देखो कितनी ज्यादा है। ठीक है, अब ये सारी प्याज मैं इसके अंदर डाल दूंगी, मगर अब एक काम करना होगा कि आपको अब इसमें अपना हाथ डालना पड़ेगा। हाथ डालेंगे तो हर चीज अच्छे से मिक्स होगी और अच्छा बनेगा। ये हरी मिर्ची जो मैंने चॉप करके रखी है, चाट मसाला जो हमने नहीं डाला था अब वो भी डाल लेंगे, ये नेशनल का चाट मसाला है, ये भी बैटर में डाल दिया हमने, और ये हरा धनिया ये भी डालते हैं। अब इन सब को बहुत अच्छे से, और ये एक लेमन भी मुझे डालना है, एक लेमन भी मैं इसमें स्क्वीज करूंगी, और इस सारे बैटर को मैं बहुत अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करूंगी। जब आप इसको हाथ से मिक्स करेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होगा, अदरवाइज ये रह जाएगा, कहीं प्याज रह जाएगी, आटा उसमें नहीं लग पाएगा, इस तरीके से होगा। अब देखो अब मैं इसमें अपना हाथ डालूंगी, देखो ये इसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर दूंगी। जितना अच्छी तरीके से हाथ से होगा ना वो स्पून से नहीं होगा। ये देखिए इसको प्याज को पूरा इसके अंदर जाना है, अदरवाइज ये रह जाएगा, कहीं ना कहीं से ये रह जाएगा। अभी देखिए पूरी प्याज पे कोटिंग हो गई है इसकी, आटे की। इसी तरह मैं इसे थोड़ा सा करूंगी, फिर देखिए बैटर तैयार है और बैटर में प्याज वगैरह डाल के हाथ से मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अगर आपको ऐसा लगे कहीं कि आपकी बहुत ज्यादा प्याज हो रही है और बाइंड नहीं हो रहा है तो उस स्टेज पे आप थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं, मगर मेरा देखिए हो गया है सब कुछ। मैं अभी से तल रही हूँ, तलने के लिए भी मैं हाथ का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि प्याज है तो फिर प्याज रह जाएगी। बिस्मिल्लाह, ये आएगी एकदम पकौड़े की फॉर्म में नहीं आएगा, मगर ये प्याज लच्छेदार जो होती है ना ये वो बनेगा।
मीडियम आंच पे ठीक। देखिए प्याज ज्यादा है आटा करने के लिए तो और भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ज्यादा ग्रेवी नहीं लगेगी आपको। ठीक है इसमें और डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये हमारे लच्छेदार पकोड़े तैयार हैं, आप इसे जरूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सब कुछ सीखो। ये आप कड़ी पकोड़े के साथ भी खा सकते हैं, कड़ी में भी डाल सकते हैं ये पकोड़े आप, और कड़ी की रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं जो हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं।